India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शराब घोटाला मामले में आप सांसद संजय सिंह की ईडी कस्टडी 3 दिन और बढ़ी। ईडी ने मांगी थी 5 दिनों की रिमांड। ईडी ने कहा रिश्वत मांगे जाने के सबूत हैं हमारे पास। संजय सिंह ने कहा मेरा एनकाउंटर होगा। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सरकारी बंगले से बेदखली को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती। 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई। चड्ढा ने राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में की अपील। चुनावी बांड योजना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। वादी ने कहा धन विधेयक मसले पर सुनवाई देर से हो तो बांड योजना मामला जल्द निपटाएं। छब्बीस सप्ताह के गर्भपात की अनुमति पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद सीजीआई ने कहा पीठ का करेंगे गठन। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं खबरों में आगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बांड मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा और सुनवाई खत्म नहीं होने पर 1 नवंबर को भी अंतिम सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 3 आधार हैं जिन पर चुनावी बांड योजना को चुनौती दी गई है। तथ्य कि ये एक धन विधेयक पारित किया गया था। चुनावी बांड एक गुमनाम स्रोत है जिसे राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए वैध दिया गया। गुमनाम फंडिंग नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। चुनावी बॉन्ड योजना मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इस साल 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर 31 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त नहीं होती है तो इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी। ये कदम 2017 में शीर्ष अदालत के समक्ष इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर किए जाने के लगभग 6 साल बाद आया है। न्यायालय ने इस पर एक संक्षिप्त चर्चा के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया कि क्या उसे सुनवाई तब तक के लिए स्थगित करनी चाहिए जब तक कि न्यायालय की संविधान पीठ अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करने के संबंध में कानून का फैसला नहीं कर लेती। धन विधेयक को राज्यसभा की सहमति के बिना पारित किया जा सकता है और चुनावी बॉन्ड योजना भी धन विधेयक के माध्यम से पेश की गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा क्या आप धन विधेयक के मुद्दे पर दबाव डाल रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि हम धन विधेयक के बिना इसकी सुनवाई करें तो ठीक है, अन्यथा धन विधेयक 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष है। याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा अगर मनी बिल का मुद्दा 2 महीने के भीतर तय हो जाता है तो इसे उसके बाद उठाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि मामले निर्देश के लिए 7 न्यायाधीशों के लिए सूचीबद्ध हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि वो धन विधेयक मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करने के बजाय मामले की सुनवाई कराना पसंद करेंगे। चुनावी बॉन्ड वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किए गए थे, जिसने बदले में ऐसे बॉन्ड की शुरुआत को सक्षम करने के लिए तीन अन्य कानूनों आरबीआई अधिनियम, आयकर अधिनियम और लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया। 2017 के वित्त अधिनियम ने एक प्रणाली शुरू की जिसके द्वारा चुनावी फंडिंग के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया, जिसका अर्थ था कि इसे राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली कराने के लिए निचली अदालत के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और याचिका दायर करके मामले की सुनवाई के लिए अपील की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी किया था और राज्यसभा सचिवालय को आदेश दिया था कि राघव चड्ढा के नाम पर आवंटित बंगले से बेदखल की कार्रवाई शुरू करें। चड्ढा ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। ये विवाद इस कारण हुआ क्योंकि राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में टाइप 6 बंगला दिया गया था। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से टाइप 7 बंगले की गुजारिश की थी, जिसके बाद उन्हें उसी वर्ष सितंबर में यह आवंटित किया गया था। हालांकि मार्च 2023 में सचिवालय ने इस आधार पर राघव चड्ढा को आवंटित टाइप 7 बंगले का आवंटन रद्द कर दिया कि वो पहली बार सांसद बने हैं, इस लिहाज से वो उस ग्रेड के बंगले के हकदार नहीं है। लेकिन आप नेता चड्ढा ने सितंबर में बंगले का नवीकरण कराने के बाद अपने माता पिता के साथ यहां रहना शुरू कर दिया। राघव चड्ढा ने सचिवालय के फैसले को राजनीतिक करार दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिस आदेश में राज्यसभा सचिवालय को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने की मंजूरी दे दी गई और रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला के खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसने इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि उनके पास पंडारा रोड में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है और इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। चड्ढा की ओर से पेश वकील ने अदालत को यह भी बताया कि राघव को विवादित आदेश के अनुपालन में बेदखली नोटिस जारी किया गया है। पिछले हफ्ते पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आवंटन रद्द होने और उन्हें दिया गया विशेषाधिकार वापस लेने के बाद चड्ढा को सरकारी बंगले पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा था वादी राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। सचिवालय का कहना था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की उपधारा 2 का पालन किए बिना चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी। सचिवालय के अनुसार प्रावधान के तहत ऐसी राहत देने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई की जानी चाहिए थी। अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने चड्ढा की इस दलील को खारिज कर दिया कि एक बार किसी सांसद को आवास आवंटित हो जाने के बाद इसे उनके पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि उनका सरकारी बंगले का आवंटन रद्द किया जाना मनमाना और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि ये काम निहित राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों के कारण भाजपा के आदेश पर किया गया है। द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पर छोड़ा जाता है
और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश राज्यसभा सचिवालय द्वारा दायर एक पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। ये घटनाक्रम सचिवालय के खिलाफ चड्ढा द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने 3 मार्च को जारी एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें आवंटित आवास को रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। राघव चड्ढा 11 अगस्त को राज्यसभा से निलंबित हुए थे। राज्यसभा से निलंबन को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चड्ढा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दरअसल दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में आप सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से 11 अगस्त को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल इसके लिए विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित रहेंगे। इस मामले में 5 सांसदों का दावा था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया। ये प्रस्ताव आप सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था, जिसमें सांसद चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप है। इसके विरोध दर्ज कराने वाले सदस्यों में से 3 बीजेपी सांसद हैं, 1 बीजेडी से है और 1 अन्ना द्रमुक सांसद है। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज बुलंद करके बीजेपी की इस तानाशाही के खिलाफ अपनी बात रखूंगा। अंत में मैं बस इतना कह दूं कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट के विचाराधीन है, तो मैं बहुत ज्यादा मेरिट्स ऑफ द मैटर पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि ये घर राज्यसभा सचिवालय द्वारा दिया गया था। राज्यसभा सचिवालय से मैंने कोई जोर जबरदस्ती से छीन के तो लिया नहीं था। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह ने घूस मांगी थी, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांगते हुए दावा किया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि 10:30 तुगलक रोड थाने ले जाने को कहा गया, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की 5 दिनों की ईडी हिरासत आज खत्म हुई। संजय सिंह को लेकर ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंची। जज एम के नागपाल की कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की और 5 दिनों की रिमांड की मांग की। दलीलों के बाद कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ाई। मैं उनकी यात्रा तक पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या मिला? जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। ईडी की ओर से बताया गया कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की ओर से बताया गया कि हाल ही में चंडीगढ़ में हुई रेड में बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई। उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारियां दी हैं जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यापारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने संजय सिंह से उसको आमने सामने क्यों नहीं कराया। इस पर संजय सिंह की ओर से पेश वकील रेबेका जॉन ने कहा कि विवेक त्यागी से आमना सामना नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह को सबूतों को मिटाना ही था तो मेरे पास 2021 से अब तक का समय था। उन्होंने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि इस नई अर्जी में कुछ भी नया नहीं है, पुरानी रिमांड के आधार ही दोहराए गए हैं। रेबेका जॉन ने कहा, सिंह ने कोई फोन नष्ट नहीं किया। अगर CDR में दिनेश अरोड़ा को फोन करने की तस्दीक होती है तो सबूत आपके पास है, जाँच कीजिए। उसके लिए संजय सिंह से पूछने की क्या जरूरत है। मेरे पूरे घर में CCTV लगा है,
उसमें कोई बैग लेकर आता है नहीं दिखा। एजेंसी का मकसद सिर्फ मेरी इमेज खराब करने का है। संजय सिंह की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए, क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी। वकील रेबिका जॉन ने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से संजय सिंह को फिर से ईडी की रिमांड पर भेजा जाए। वहीं ईडी ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए और रिमांड की जरूरत है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात के 10:30 बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। मेरे पूछने पर बताया गया कि तुगलक रोड थाने जाना है। जब मैंने पूछा कि क्या जज की इजाजत ली गई है, संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई। उन्होंने कोर्ट से कहा, मैंने ईडी से पूछा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा, तो अधिकारियों ने जवाब में कहा उसका जवाब हम दे देंगे। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना कोर्ट को बताए कहीं नहीं ले जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ईडी कस्टडी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स से 26 सप्ताह की गर्भवती एक विवाहित महिला के गर्भपात को रोकने के लिए कहा है। केंद्र ने उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें कल समाप्ति की अनुमति दी गई थी। सीजीआई ने कहा है कि वो इसके लिए एक पीठ का गठन करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती विवाहित महिला के मेडिकल टर्मिनेशन की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता 2 बच्चों की मां है। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है और भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से तीसरे बच्चे को पालने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसका 1 साल से मनोरोग का इलाज चल रहा है। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बीबी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा, आखिरकार ये अदालत याचिकाकर्ता की निर्णयात्मक स्वायत्तता को मान्यता देती है जिसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अपनी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक, वित्तीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की दलील दी है। ये अदालत इसे मान्यता देती है। एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार और ये तथ्य कि यदि अनुचित प्रेगनेंसी के परिणाम स्वरूप कोई बच्चा दुनिया में आता है तो ऐसे बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा याचिकाकर्ता के कंधे पर आ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब मां स्तनपान करा रही हो तो प्रेगनेंसी दुर्लभ है और याचिकाकर्ता का दुर्लभ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्टों का अनुमान है कि ये विधि आमतौर पर 95% से अधिक सुरक्षा देती है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मेडिकल कंडीशन का आकलन करने के लिए एम्स द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। वर्तमान अदालत ने याचिकाकर्ता को वस्तुतः उपस्थित होने की अनुमति दी और उससे प्रेगनेंसी जारी रखने की उसकी इच्छा के बारे में पूछा। अदालत ने याचिकाकर्ता को एम्स नई दिल्ली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में जाने के निर्देश के साथ रिट स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में अपने फैसले पर रोक लगा दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2013 के कामधुनी सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 2 दोषियों को की मौत की सजा को बदल दिया। समझते हैं कि किन हालातों में दोषियों की मौत की सजा को बदला जा सकता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर इसकी जानकारी देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेथ सेंटेंस, मौत की सजा को कम्यूट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये आर्टिकल सिर्फ कम्यूटेशन की नहीं बल्कि पार्डन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव की पावर की भी बात करता है। पर इन सब टर्म्स का मतलब क्या है? पार्डन यानी जिसमें दोनों सेंटेंस और कन्विक्शन रिमूव हो जाए। कम्यूटेशन यानी जिसमें एक पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसी लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से। रिमिशन यानी सेंटेंस का टाइम कम कर दिया जाए उसका करेक्टर चेंज किए बगैर। रिस्पाइट यानी ओरिजिनल पनिशमेंट से कम पनिशमेंट अवॉर्ड करना किसी स्पेशल फैक्ट्स की वजह से। रिप्राइव यानी सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पर स्टे लगाना, स्पेशली दैट ऑफ डेथ, और ये एक टेम्पररी टाइम के लिए होता है। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि आर्टिकल 72 की पावर्स प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर ही यूज कर सकते हैं। इपुरु सुधाकर के केस में यह हेल्ड किया गया कि इस
ग्रांट ऑफ मर्सी को बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर कई ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप।